होली का त्यौहार हो और हम घर पे कुछ मीठा ना बनाए, ऐसा हो सकता है? जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आज मैं होली पर स्पेशल फ्रूट्स रबड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। रबड़ी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी फ्रूट्स रबड़ी ट्राई की है? अगर नहीं की तो इस होली आप ज़रूर बनाएं और सभी को खिलाएं और इसके मज़े उठाएं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, जिसे मैंने एक कढ़ाई में रखा है और कढ़ाई गैस पर रख दी है। दूध को मैं थोड़ा चला लेती हूँ और इसमें अब मैं उबाल आने देती हूँ। ये मेरा फुल क्रीम दूध है। अब दूध में उबाल आ जाए तो मैं इसको एक और बार चला लेती हूँ और इसमें अब हमें इसकी रबड़ी बनानी है। तो गैस को मैं कभी मीडियम सिम करके, कभी थोड़ा तेज करके इसे उबाल के हल्का सा गाढ़ा करूँगी और इसमें लच्छे बनाऊँगी। अभी मैंने इसको थोड़ा सा चला लिया है, अब मैं गैस को थोड़ा सिम करके इसमें पहले डाल देती हूँ केसर की पत्तियाँ। केसर की पत्तियाँ मैं इसमें अभी से इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसका कलर जो है अच्छे से निकल कर आएगा और फ्रूट्स रबड़ी और भी ज़्यादा देखने में यमी लगेगी, कि जो इसे देखेगा वो खाए बिना रह नहीं पाएगा और त्यौहार के माहौल में और भी मिठास घुल जाएगी। अब इसके बाद इसमें मैं एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डालती हूँ, ये है मिल्क पाउडर। ये मैं 1/2 कप लगभग मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। मिल्क पाउडर डालते डालते इसे चलाती रहती हूँ दूध को। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि इससे रबड़ी का जो हम फ्लेवर बना रहे हैं वो और भी यम्मी बनकर आएगा और बहुत ही ज़्यादा लच्छेदार रबड़ी हमारी तैयार होगी। अभी हम फ्रूट्स को ऐड करेंगे, लेकिन वो अभी हम बाद में करेंगे। अब मैं दूध को थोड़ा चला लेती हूँ। अब हमें इसमें थोड़े से लच्छे भी बनाने, क्योंकि हमें दूध को गाढ़ा करना है लेकिन लच्छों के साथ। तो थोड़ा सा गैस को मैं मीडियम सिम करती हूँ, इस स्पैटुला को उसमें ऐसे ही छोड़ देती हूँ कढ़ाई में, से अब चलाती नहीं हूँ ताकि हमारे लच्छे अच्छे से पड़ पाए, मलाई पड़ पाएगी तो आ जाएंगे। और इसमें मीडियम सिम करके इसमें उबाल सी आने देती हूँ। तो इसमें देखिएगा आप अपने आप ही इसमें लच्छे मलाई सी पड़ने लगेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर इसको इसमें एक बार चला दूँगी और ऐसे करके मुझे इसमें 3-4 बार इसमें चार पांच बार कुक करना है, ताकि इसकी ये जो है रबड़ी अच्छे से तैयार हो जाए, लच्छेदार रबड़ी बनकर आएगी। तो इसी तरीके से इसमें ये चला देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ। दोबारा से मैं ऐसे ही करूँगी कि स्पैटुला को ऐसे ही छोड़ दूँगी एक बार चलाने के बाद, और फिर से इसमें मलाई पड़ने दूँगी ऊपर से, ये देखिए, और इसको दोबारा से चला दूँगी, मिक्स कर दूँगी। ऐसे करके इसमें अपनी मैं रबड़ी जो है बनाकर तैयार कर लूँगी, गाढ़ी लच्छेदार रबड़ी, जिसे खाने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा, बाजार की रबड़ी खाना भी भूल जाएंगे। अब इसमें मैंने हमारी रबड़ी जो है काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, तो मैं इसमें शक्कर डाल देती हूँ। अभी मेरे को इसमें फ्रूट्स भी ऐड करने हैं, तो शक्कर मैं उसी क्वांटिटी में थोड़ी कम डाल रही हूँ, क्योंकि फ्रूट्स भी मीठे होते हैं, तो इसलिए मैं उस हिसाब से इसमें शक्कर डाली है। गैस को मीडियम कर दूँगी और शक्कर को इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। शक्कर मेरी मिक्स हो चुकी है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट्स। अभी मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, जैसे कि मैंने कट किए हुए बादाम लिए हैं, पिस्ता लिए हैं, काजू लिए हैं और कुछ किशमिश ली है, ये सब भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स आपके ऑप्शनल रहते हैं, आप जो ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें, कुछ अवॉइड करना चाहते हैं तो आप रहने दे सकती हैं। इसके बाद इसमें मैं अब इलायची पाउडर डाल देती हूँ। इलायची पाउडर से मिठाई का फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आ जाएगा। इसके इन्हें सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। गैस को कभी मीडियम करना है, कभी सिम करना है, ऐसे ही हमें इसे रबड़ी को बनाना है। इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और हमारी ये काफ़ी खदक गई है, गाढ़ी हो गई है। अभी ये जब ठंडी हो जाएगी तो आप देखेंगे कितनी गाढ़ी लच्छेदार रबड़ी तैयार हो जाएगी। तो मैंने गैस को बंद कर दिया और इसे ठंडा नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के लिए छोड़ देती हूँ। और नॉर्मल टेम्परेचर पे ये हमारी आ गई है, ठंडी हो गई है, इसे आसानी से हम पकड़ सकते हैं। और देखिए कितनी गाढ़ी लच्छेदार रबड़ी जो है वो बनकर तैयार हुई है। देखकर ही मन कर रहा है अभी तो इसमें फ्रूट्स जब ऐड हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा यमी ये तैयार होगी। आप देख सकते हैं कैसे लच्छे लच्छे तैयार होके आए हैं। जब ये हमारी बिल्कुल ठंडी हो जाए, उसी के बाद हमें इसमें फ्रूट्स ऐड करने हैं, जैसे मैंने कट किए हुए आम, बनाना यानी कि केला, और अनार, अंगूर और एप्पल, इन सबको कट कर लिया छोटे छोटे पीसेस में, ये सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। फ्रूट्स आप अपनी थोड़ी पसंद से भी ऐड कर सकते हैं, जो अवेलेबल हो आपके पास। सारे फ्रूट्स मैं इसमें डाल देती हूँ एक एक करके, बट याद रखिए आपको बिल्कुल ठंडा करने के बाद इसमें फ्रूट्स डालने हैं। अगर आप गर्म में डाल देंगे तो ये रबड़ी आपकी ख़राब हो सकती है। तो ये ठंडा डालने के बाद मैंने फ्रूट्स डाल दिए और इसे अब अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अगर आप सिर्फ रबड़ी बनाना चाहते हैं, फ्रूट्स आपको नहीं डालने, तो आप फ्रूट्स डाले बिना भी इसे खा सकते हैं। ये अपने आप ही रबड़ी तैयार थी, बस आपको थोड़ी शक्कर ज़्यादा डालनी पड़ेगी। और फ्रूट्स डालने हैं तो ऐसे आप इसमें फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए हमारे फ्रूट्स भी आपस में सब घुल मिल गए हैं।
कितनी लच्छेदार और मज़ेदार लबड़ी लग रही है। अभी हम इसे ऐसे ही नहीं खाएंगे, इसे हम एक पहले बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको हम एकदम ठंडा करके ही खाएंगे, क्योंकि रबड़ी ठंडी अच्छी लगेगी। और इसमें हम बर्फ़ नहीं डालेंगे, हमें फ्रिज में रखकर इसे ठंडा करना है। अगर आप ठंडे से थोड़ा परहेज करते हैं, नहीं करना चाहते, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, अच्छी लगती है। लेकिन ठंडा के बाद जो रबड़ी खाने का और ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा, वो और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। ये हमारी रबड़ी तैयार है, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था 2-4 घंटे के लिए, जैसे ये ठंडी हो जाए, जितनी भी ठंडी हम खाना चाहते हैं। और आप देखिए कितनी मज़ेदार ये रबड़ी जो है, कितनी लच्छेदार गाढ़ी रबड़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। ये मेरी रबड़ी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसको अब मैं सर्व करती हूँ। और ख़ास बात ये है, इसको आप बना के एक दिन पहले भी रख सकते हैं, एक दिन दो दिन ख़राब नहीं होती। और दूसरी ख़ास बात ये, आप एक बार बना दीजिए, जब भी कोई गेस्ट आए आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो होली का त्यौहार हो और मीठा खिलाना तो बनता ही है, जिससे रिश्तों में और भी ज़्यादा मिठास घुल जाए और होली का पर्व और ज़्यादा मीठा हो जाए। तो इसको अब मैं सर्व कर देती हूँ और इसके मज़े उठाती हूँ। ये मेरी फ्रूट्स रबड़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। वाओ, देखकर ही मन कराया अभी खा लूँ। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी बात पर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर इस रेसिपी को देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही रेसिपीज आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।